सवाल करती हूँ, मजा तो हमको आ रहा है लेकिन जिंदगी में मजा और संजीदापन इकट्ठे चले तो फिर सेंस बनती है, तो अब थोड़ी सी करते हैं सीरियस टॉक, क्या आप तैयार हैं? मेरी व्हीलचेयर को देख के अक्सर सबको यही लगता है कि इसकी लाइफ का सबसे बड़ा बैरियर होगा एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जिसकी वजह से तालीम हासिल करना, नौकरी करना, शॉपिंग करना शायद इतना आसान ना हो, और इन सब बातों की वजह से मैं शायद कोई ख्वाब देख ही नहीं सकती, उनको पाना तो दूर की बात है। लेकिन आप तो व्हीलचेयर पे नहीं है, तो आपको ख्वाब देखना और उनको पूरा करने से कौन रोक रहा है? क्योंकि असल बैरियर होता है हमारे ज़हन में। इस लम्हे में आपके ख्वाब देखना शुरू करते हैं और आपको लगता है कि हाँ मैं अच्छी राइटर बनना चाहती हूँ, या मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी पोइट बनना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी शेफ बनना चाहती हूँ, एनीथिंग यू वांट टू बी, नाउ इट इज अप टू यू, दिस इज द बैरियर। और मैं आप लोगों को ओपन छूट दे रही हूँ कि जब आपके सामने एक बैरियर होता है तो आप सब खुद को देखते होते हैं, इज इट ट्रू? आप देखते हैं कि मैं इसको कैसे क्रॉस करूँ, पीछे होइएगा थोड़ा, वी कैन सी द बैरियर, बी वेरी केयरफुल, लुक एट इट एंड देन लुक अराउंड। और मैंने तोड़ा अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बैरियर, अपनी सोच का बैरियर। हाँ मैं बहुत कुछ नहीं कर सकती लेकिन बहुत कुछ कर भी सकती हूँ, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। ये है मेरी महफिल जिसमें हम आज बात कर रहे हैं अपने जहन के बैरियर्स तोड़ने की। मुझे मौका मिला कराची की कुछ हुनहार लड़कियों से मुलाकात करने का, तो अब कोई चाहे व्हीलचेयर पे हो या ना हो, सोच के माजूर नहीं होंगे हम। मैं हूँ तंजीला खान और एक मुकम्मल जिंदगी जीना और जीने देना है मेरा पैशन।